हाय एवरीवन, वेलकम टू शगुन फैमिली, लव यू ऑल। बारिश का बहुत अच्छा वाला वेदर हो रहा है, मैं इसको दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा है। वाओ, यू कांट इमेजिन, इतने टाइम बाद में इतना अच्छा मौसम। थोड़े टाइम पहले बारिश हुई, बट उस दिन बहुत आग थी, तूफान, और उसके बाद बारिश हुई तो उतना अच्छा नहीं लगा। बट आज अच्छा लग रहा है, बारिश है, जल्दी होने वाली है, तो सोचा जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ फिर बारिश का भी इसमें वीडियो में ऐड करूँगी, बिकॉज आज बहुत मस्त वाली बारिश होने वाली है। आज मैं बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से कि ये जो पैंडमिक चल रहा है, इसमें आप लोग स्पिरिचुअल बात लें। स्पिरिचुअल बात में बेसिकली ऐसा है कि आप लोग सॉल्ट के साथ बात लेना है आपको। आपके पास अगर नॉर्मल सॉल्ट है तो नॉर्मल ले लें, पिंक सॉल्ट है तो पिंक सॉल्ट ले लें, मतलब जो भी अच्छा लग रहा है वो सॉल्ट ले सकते हैं। एंड उसके साथ अगर आपके पास एमेथिस है तो एमेथिस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मींस अगर आपके पास एमेथिस ब्रेसलेट है या टम्बल स्टोन है तो वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और बेटर है कि जब आप स्पिरिचुअल बात लें वो टाइम पे आपका बाथरूम थोड़ा क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कह रही कि बाथरूम बहुत हाई फाई हो या टब हो, लग्जरी हो, ऐसा कुछ नहीं, मेरा भी नहीं है। तो जो बकेट है या टब है वो अच्छे से क्लीन कर लें, एंड उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दें, पानी नमक वाला हो जाए। एंड फिर थोड़ा सॉल्ट आप बाउल में ले सकते हैं, बाउल में वो सॉल्ट लें और थोड़ा थोड़ा बॉडी को गीला करके और उस पर धीरे धीरे रब करें। आप बिलीव नहीं करेंगे, बॉडी इतनी स्मूथ हो जाएगी। एंड जब आप बाथ लेकर निकलेंगे बाहर, लाइट फील, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील होगा जैसे बहुत कुछ बॉडी पर ना यूँ जमा हुआ था, बहुत भारी भारी था, वो एकदम से बहुत लाइट फील होगा। तो गाइस ट्राई करो, और स्पिरिचुअल बात लेते वक्त आप जो भी आपको मन में इच्छा है वो बोल सकते हैं। कोई चीज़ को रिलीज करना है या आपको बहुत हैवी फील हो रहा है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। अब मैं थोड़ा उठ भी जाती हूँ, बहुत देर से बैठी हुई हूँ। तो कोशिश करें आज स्पिरिचुअल बात, कल मंडे है, मंडे को ट्राई करें, बिकॉज थर्सडे को और संडे को मैं स्पिरिचुअल बात ट्राई नहीं करती। सॉल्ट यूज़ नहीं करना चाहिए इसलिए मैं यूज़ नहीं करती। ट्राई कीजिए। एंड मैं ये रन कर रही हूँ, पीछे आप देखो कि कितना, अगर देख पा रहे हो तो, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी बादल हैं एक्चुअली। तो स्पिरिचुअल बात लें, उसके बाद आप बहुत लाइट फील करने वाले हो। थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बात के बाद ही आप घर में भी जैसे जो पोचा लगाते हैं नॉर्मल, उसमें सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। थर्सडे को और संडे को यूज़ नहीं करना है, ट्राई भी ना करें। एंड हाँ, थैंक यू सो मच पवन शर्मा जी, आपका कमेंट मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड रंजना जी तो हैं ही ऑलवेज सपोर्टिंग, संध्या जी, एंड काफ़ी लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। मे बी शायद उन लोगों को शर्म आती है बात करने में, ये पता नहीं क्या है। बट गाइस अगर पसंद आता है वीडियो तो एटलीस्ट मेरे साथ शेयर तो करो, कमेंट करो, शेयर करो, तो मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं ट्राई करूँ या नहीं करूँ। फिर से मेरी वो फैमिली वहाँ बैठी हुई है, काफ़ी लोग और भी यहाँ ऊपर है, एक जगह तो सामने फोटोग्राफी चल रही है। मौसम अच्छा है ना, कोई नहीं, बच्चे लोग हैं, इंजॉय कर सकते हैं। एंड मेरा फिर वही है, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स, मेरे को और कुछ जमता ही नहीं है, पागल हूँ मैं शॉर्ट्स के पीछे। और आप लोग बताइए आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है। एंड प्लीज़ 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 मंडे को स्पिरिचुअल बात लीजिएगा आप, बिकॉज स्पिरिचुअल बात जो है
वो आपकी हैवीनेस को ख़त्म करता है, बॉडी की क्लिंजिंग करता है, एक्चुअली क्लीनिंग नहीं कहेंगे क्लिंजिंग। जो आपका ऑरा होता है वो काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आता है, काफ़ी लोग आपके मतलब संपर्क में आते हैं, माधव बैठा हुआ है पीछे, तो वो जो एनर्जीज आपसे टकराती हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी क्रिएट करती हैं। कई बार एनर्जीज अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और कई बार एनर्जीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली, हार्मफुल होती हैं। नहीं बोलते हैं जैसे टोक लगना या किसी की नज़र लगना, तो और मैं भी सच में फील कर रही हूँ कि अगर आप अच्छे दिखते हैं या आप अच्छा कुछ कर रहे हैं या जो सब लोग नहीं कर पा रहे हैं अगर आप वो कर रहे हैं तो लोग आपसे जलते हैं। बिलीव मी गाइस, आपके अपने ही जलते हैं, दूसरे तो मुझे नहीं पता। आपके जो बहुत अच्छे दोस्त बोलते हैं ना सामने से, पीछे से आपकी हंसी उड़ा रहे होते हैं, मजाक नहीं कर रही, मुझे भी पता है। बट फिर भी हम लोग दोस्तों के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग सोशल पर्सन हैं एक्चुअली, मतलब सामाजिक प्राणी। फिलहाल के लिए तो मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ, बट गॉड नोज जब लॉकडाउन ओपन होगा तो मैं भी सामाजिक प्राणी थोड़ा नहीं रहूँगी, मैं भी निकल जाऊँगी बाहर आप लोगों के लिए वीडियोस जो बनाने हैं। तो किसी की टेंशन नहीं लेना है, मैं ऑलवेज कहती हूँ शगुन फैमिली किसी की टेंशन लेती नहीं है, मन में आए जो करती है। अभी का ये टाइम जो है आप लोगों को घूम फिर के मतलब मैं आ जाती हूँ मोटिवेट करने, तो प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखें, केयर करें। एंड मुझे काफ़ी लोग देख भी रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को ना डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। तो बेटर है मन में आए वो करो। अच्छा एक चीज़ और बोल रही थी मैं, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे यहाँ अभी लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, आई थिंक 10 से तो कंप्लीट शायद कर्फ्यू होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखें। जो भी सामान वगैरह लेकर रखना है एडवांस में पहले से थोड़ा बहुत रख लें, क्योंकि बाद में फिर वो बाहर ना वो पुलिस की चौकियाँ वगैरह लग चुकी हैं सब जगह करीब करीब, तो आप सामान लेने जा नहीं सकते। बच्चों के लिए भी जो सामान चाहिए, जो आप लोगों के लिए चाहिए, तो वो सामान भी आप मंगवा कर रख लें। एंड ये लॉकडाउन का टाइम अच्छा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑड लगा, मुझे भी लगा, बट अभी ठीक है, बैठे रहते हैं, एकांत की ऊर्जा जो होती है, अकेले बैठो सोचो क्या करना है, क्यों भाग रहे थे। मुझे तो अभी पता चल रहा है मुझे क्या करना है लाइफ में। मेरे ख्याल से ये जो ब्रेक मिला है, मुझे लगता है पर्सनली जैसे नेचर ने ये ब्रेक मेरे लिए ही दिया है कि तुम में बहुत कुछ है, तुम कर सकते हो। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, हंस रहे हैं ना पीछे से, हंसने दो। जिस दिन हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो अचीव कर लेंगे ना, वही लोग, मुंह बंद हो जाएगा उनका, वही तो हमें करना है। शगुन फैमिली लोगों का मुंह बंद करना है, सील करना है। तो मस्त एंजॉय करो, टेंशन नहीं लेने का है, और मेरी तरह ना टेरेस पे थोड़ी देर आ जाया करो। जो ये प्योर एयर है ना बहुत अच्छी लगती है। अभी बहुत डार्क हो रहा है बिकॉज बारिश का पूरा वो बोलते ना वो पूरी ब्लैक ब्लैक बादल हो रहे हैं, उमड़ घुमड़ वाला वो सीन होने वाला है, मस्त 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 बारिश होने वाली है। एंड आज तो मेरा मूड है बारिश में, हो सका तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगे। और बताइए आप लोग कैसे हैं आप सब, मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, सोच रही हूँ डेली वीडियो बनाऊँ, बट कुछ ना कुछ
ऐसा होता जा रहा है कि वो स्टक हो जाता है। मेरा खुद के भी कुछ, जैसे मैं स्पिरिचुअल बात है, क्रिस्टल हीलिंग है, कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, उन पे काम कर रही हूँ, तो वो सब कुछ एक दिन मैं खुद के लिए देती हूँ और एक दिन मैं आप लोगों के लिए आती हूँ। और जैसे जैसे चीज़ें ठीक हो जाएगी तो मैं शायद डेली रूटीन वीडियो भी डालूँगी। एंड आज मैंने दाल के पराठे बनाए। दाल बनाई थी कल रात को, तो यू नो इंडियन वूमेंस, मैं भी वही तो हूँ यार, कुछ भी कह दो, कितनी भी बोल्ड हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन हूँ तो औरत। तो मैंने यहाँ दाल के पराठे बनाए और उसमें ग्रीन चिली एंड अनियन, थोड़ा धनिया, वो सब जितनी मिक्स करके अच्छे से, और मैं सरसों का तेल और जो तिली का तेल है, तिल वाला, वो दोनों यूज़ करती हूँ। और मैं अच्छे से मस्त कुरकुरे पराठे बनाए, क्रिस्पी वाले, एंड उनको दही के साथ खाया। एंड कल एक्चुअली एक मेरे साथ चीज़ हुई कि नाइट में ना मेरी नींद खुल गई, एंड मुझे ना मेरे डोर के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा है। और लिटरली यू वोंट बिलीव, मैं काफ़ी देर तक तो हिम्मत ही नहीं कर पाई, क्योंकि टेरेस ऊपर ही है, तो ऐसा वो दिमाग में सीधा सा एक ही चीज़ आई कि यूँ तो नहीं टेरेस से कोई आया है ऊपर से। काफ़ी देर तक तो हिम्मत ही नहीं की, सोचती रही जाऊँ, देखूँ, नहीं देखूँ, यार कुछ भी हो सकता है। काफ़ी देर तक बैठी रही, एंड वो होता है ना एकदम घबरा गई थी कि यार पक्का कोई इंसान ही है या कुछ और गड़बड़ है। वो होता है ना बालाजी का हनुमान चालीसा पढ़ना चालू, एंड यू वोंट बिलीव, फिर हनुमान चालीसा पढ़ के मैं उठी, धीरे धीरे नाम लेते ऐसे ऐसे चली, और जाके जैसे ही यूं देखा तेरे के, पता है वहां क्या था? मैंने कपड़े टांगे हुए थे, वो हिल रहे थे। मतलब पहले मैं टेंशन के मारे घबराई हुई थी, और रात को शायद 2:30-3 बज रहे थे, मुझे हंसी छूट गई। कई बार होता है ना कि आप चाह कर भी कुछ चीजें बहुत स्ट्रांग बनते हैं, और मुझे ये चीज़ सुनाने में कोई शर्म भी नहीं आ रही, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, बट कंडीशन ऐसी थी कि मैं भी डर गई यार कि क्या है ये, कौन खड़ा है, क्योंकि वो कपड़े इस तरह से मैंने टांगे हुए थे, क्योंकि कपड़े ना थोड़ी सी हवा आती ना थोड़ा सा यूँ रुक के और वो हिलने लगता है। और लिटरली मैं बेड पे ना यूँ बैठी हुई हूँ, और यूँ करते हुए हनुमान चालीसा हिलते हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। तो गाइज मैं नहीं कहूँगी कि डरना मना है, डर सबको लगता है, मुझे भी लगा, बट ये है कई बार हमारे इल्यूजन्स ऐसे होते हैं, भ्रम हो जाता है कि कुछ है बट होता नहीं है। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, जैसे अभी वाली सिचुएशन है, सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बट डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये भी एक छोटा सा भ्रम है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। जैसे मेरा वो, मुझे ऐसा लगा ना जैसे कोई इंसान खड़ा है या कोई नेगेटिव एनर्जी, एक बार के लिए ये भी सोचा भूत, सांस फूल गई, बट फिर हिम्मत की एंड तेजा बाबा का नाम लिया और मैं खड़ी हो गई, जाके देखा कुछ भी नहीं था, तो ये एक मेरा भ्रम था। कोशिश करें गाइस, टेंशन ना लें, एंजॉय योर लाइफ, एंड बच्चों के साथ मस्ती करें, जो चीज़ें नहीं कर पाए हैं वो करें। एंड पीछे का मैं एक मिनट आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, इसके साथ ही मैं बारिश वाला भी, अभी अगर बारिश जल्दी हो जाती है तो मैं उसको भी ऐड करूँगी। प्लीज़ मेरे साथ आप लोग सब बारिश को भी इंजॉय करो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग शगुन फैमिली।